लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हमारे देश में आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। देश के विकास में महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी है जितनी पुरुषों की है। रेल मंत्रालय ने भी महिलाओं की ताकत और हौसले को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो चर्चा का विषय बन गई है। जहां फिल्म बिजनेस डेस्क हमारे देश में आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। देश के विकास में महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी है जितनी पुरुषों की है। रेल मंत्रालय ने भी महिलाओं की ताकत और हौसले को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो चर्चा का विषय बन गई है। जहां फिल्मी सितारों ने इसे खूब सराहा तो वहीं कुछ राजनेताओं को यह रास नहीं आया। दरअसल रेल मंत्रालय ने 4 मार्च को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर महिला कुलियों की 3 तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि रेल मंत्रालय के लिए काम करते हुए इन महिला कुलियों ने यह साबित किया है कि वे किसी से कम नहीं है। हम उन्हें नमन करते हैं। इन तस्वीरों में महिला कुली लोगों का सामान उठाती हुई दिखाई दे रही है। रेल मंत्रालय का यह ट्वीट लोगों को खूब पसंद आया। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी रेलवे की इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि ये हैं कुली नंबर दशक। वरुण के रीट्वीट करने के बाद लोगों ने भी इसकी सराहना करते हुए कहा कि महिला कुली जिस तरह अपने परिवार को चलाने के लिए स्टेशनों पर संघर्ष कर रही हैं, वास्तव में उन्हें सम्मान मिलने का हक है। उनके काम को और खुद उनको सलाम करना बनता है। हालांकि कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को रेलवे का यह ट्वीट पसंद नहीं आता और उन्होंने इसे अपमानजनक करार दिया। थरूर ने भी रेलवे के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि यह बेहद अपमानजनक है। इस रूढ़िवादी प्रैक्टिस पर शर्म करने की जगह हमारा रेल मंत्रालय गरीब महिलाओं के शोषण पर गर्व महसूस कर रहा है जो कि सिर पर भारी सामान ढो रही हैं।